से मैं पिछली बार भी आ नहीं पाया रहमती में, तो इस बार लकी हूँ कि शहर में था। इतना अच्छा कॉज वाला एक शो करने को मिला है। ये पहली बात है। और दूसरी बात, गाने किस तरह के करूँगा। ऑब्वियसली वो जो फेमस गाने जो है वो तो गाने ही पड़ेंगे, बॉलीवुड के जो हिट गाने हैं या जो मेरे पॉपुलर गाने हैं जो जानते हैं लोग। और उसके साथ सोचा है हमने, क्योंकि एक अर्बन जोगी करके बैंड भी लॉन्च हो रहा है, तो उनके साथ भी हो सके तो एक फोक स्टेज में गाने की कोशिश करूँगा। और अभी हाल ही में खयाम साहब नहीं रहे, तो हमने सोचा उनके गानों से हम लोग इतने सुन सुन के बड़े हुए हैं, सबकी ज़िंदगी में थोड़ा उनका हिस्सा है, तो शायद एक एक गाने की कोशिश करेंगे उस शो में। और इट बी ए स्पॉन्टेनियस थिंग बिकॉज शान है, अंकित है, मैं हूँ, हम तीनों पहली बार एक साथ मंच पे हैं, तो आगे क्या होगा कह नहीं सकते। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता जाएगा। एंड क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉज वाला है और म्यूजिशियंस इसलिए एंथू है इसके लिए, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, मैंने तो नहीं सुना, अगर है तो बहुत कम ही। जिस तौर से संगीतम ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट करते हैं म्यूजिशियंस के लिए, एक इट्स एक्चुअली एज सौरभ जी सेड कि म्यूजिश फॉर द म्यूजिशियंस बाय द म्यूजिशियंस, कि हम लोग का कोई लोग सोचते नहीं ना, कि लगता है एक बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग जिंदगी है म्यूजिशियंस का, स्टार ये परफॉर्म करते हैं, मज़ेदार जिंदगी है। बात मेरे पिताजी भी बड़े फनकार थे, मेरी मम्मी भी थे, अब तो मम्मी बीमार है, पिताजी तो नहीं रहे, एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन सबका ना वो चार दीवारी में ही होता है, जो चार घर के लोग होते हैं वही, बाकी जो फैंस है वो जब तक संगीत निकलता है फैंस है, उसके बाद फैंस दिल से चाहते हैं लेकिन सब अपने अपने जिंदगी में बिजी रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग का ना कोई प्रोविडेंट फंड होता है, ना हमारा कोई रिटायरमेंट का क्या पेंशन मिलता है हमें, तो ऐसे में म्यूजिशियंस क्या करें बाद के लिए, कैसे प्लान करें। और म्यूजिशियंस सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं पैसे प्लान करने के मामले में, ज़्यादातर म्यूजिशियंस। तो इस हिसाब से उनके बुढ़ापे में जब बीमार होते हैं, एंड ऑल्सो फॉर किड्स में भी, एस्पायरिंग किड्स जो ये लोग इक्विपमेंट्स देना है, कोई किसी को कुछ कीबोर्ड खरीदना है, बहुत अच्छा, अगर वो टैलेंटेड है, ऐसे नहीं किसी को दे देते, ये देखना पड़ता है कि एक्चुअली टैलेंटेड है, यू नो डिजर्व करता है, तो ये कीबोर्ड दे देते हैं किसी को। किसी का सपोज म्यूजिक लेसन लेना है, संगीत सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी फीस चाहिए तो वो दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरह से म्यूजिशियंस को हेल्प करने की कोशिश है संगीतम ट्रस्ट की। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस बार हिस्सा बन पाया रहते 7 की। सो दैट्स इट। सर, हमने एक बार पेपर में पढ़ा, बिस्मिल्ला खान साहब ने भारत रत्न के साथ कुछ बोले, पैसे दे दीजिए, नहीं तो अवार्ड नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट हमको कुछ ना कुछ पैसे दे दीजिए। सो दैट वॉज द टाइम मैं और हरिहरन वी वर सिटिंग टुगेदर एंड वी डिसाइडेड कि यार अगर इतने बड़े म्यूजिशियन की इतनी ख़राब हालत है, तो जो मिड लेवल है और उसके नीचे के लेवल जो है, ऐसा नहीं वो काम नहीं करते, वो भी उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे करते हैं, उतनी मेहनत की है, कभी नसीब साथ नहीं देता, तो दीज पीपल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। जी, तो दीज पीपल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। इनके पास कोई प्रोविजन है नहीं, और पहले के ज़माने में तो बिल्कुल प्रोविजन होते ही नहीं थे उनके। अभी तो एटलीस्ट म्यूजिशियंस को थोड़ी कुछ फाइनेंशियल एडवाइस भी मिल जाती है, लेकिन पहले के लोग जो हैं देवर कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन देयर सेविंग। तो एक बार सेविंग रिप्लीट हो गई तो फिर कुछ नहीं है। भाई सारा भी राम हने, भाई सारा भी राम हने, पिहरी अल चालो सा, भाई सारा भी राम ने, पिहरी अल चालो सा, पिहरी अल भने ओलू भावे। ये तो इतने अच्छे मकसद के लिए प्रोग्राम होता है, तो चलते ही रहेगा, क्योंकि हम लोग सब हमेशा यही सोचते हैं जितने भी म्यूजिशंस हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो म्यूजिशंस हैं, शायर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन सब के लिए हम करते रहें कुछ ना कुछ, सिर्फ अपना ना सोचें हमेशा। तो उसके लिए सौरभ दफ्तरी जैसे ऑर्गेनाइजर्स भी चाहिए जो अपनी मेहनत लगाते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, टिकट सेल करते हैं, सब कुछ अरेंज करके, गाना और नहीं गाते। फिर गाना तो गाते हो या सिंगर हो, लेकिन फिर सब सब कुछ इंतज़ाम करके और अच्छे पैसे इकट्ठा होते हैं वो हम लोग
उसी दिन वहाँ देते हैं, कुछ लोगों को वहीं बुला लेते हैं देने के लिए, और उसके बाद कुछ मेडिकल पॉलिसीज भी ये अरेंज कराते हैं जो कई साल तक उन म्यूजिशियंस को, उन शायरों को मेडिक्लेम भी देते हैं। तो ये बड़ी बात है और हम लोग हमेशा इनके साथ हैं। जब ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, सब आ जाते हैं। सोनू निगम आ जाते हैं, हरिहरन है, पॉपोन है, मैं तो पहले साल से जुड़ा हूँ, बाबुल सुप्रियो हैं, अब वो मंत्री बन गए लेकिन फिर भी आते हैं। तो बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि सब अपनी तरफ से फ़ोन करते हैं इनको कि भाई इस बार हमको आना है, इस बार हमको आना। तो इस बार जब मैंने फ़ोन किया इन्होंने कहा नहीं इस बार आपको नहीं आना। तो मैंने कहा कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बुला लो। तो हम इसमें आ गए। लेकिन इस तरह से सबके अंदर एक ख्वाहिश है, जज्बा है कि इस तरह के काम में सब आए, सब काम करें, सब जुटें और एक अच्छा रिजल्ट इसका दिया जाए। तो उसी के लिए हम लोग सब मिले हैं। हमारे इस बार का जो रहमतें हैं उसमें आप देख रहे हैं पपन यहाँ हैं और अभी अंकित तिवारी हैं, शान हैं। आज ही मेरी अंकित से बात भी हुई थी, शान से भी दो दिन पहले बात हुई थी। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, ये तीनों मिलके तीन इक्के हैं इस बार।